फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक्वार नॉलेज फ्रेंड्स टूडे वी आर डिसकस अबाउट ऑफ नैफरान सो नैफरान के बारे में आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नैफरान एंड फंक्शन ऑफ नैफरान सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं नेफ्रॉन का मेन वर्क क्या होता है सो so, नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी किडनी कंटेन करती है नेफ्रॉन को एंड नेफ्रॉन के थ्रू जो नेफ्रॉन में कंटेंट होता है ग्लोम्योलस इसके थ्रू क्या होता है ब्लड फिल्टर होता है लाइक हार्ट किडनी भी जो होती है वो ब्लड को फिल्ट्रेशन का वर्क करती है ये तो मैंने देख, ये तो हम लोगों ने जाना ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ नेफ्रॉन बट uh, अब हम लोग देख लेते हैं इनके कुछ पॉइंट्स सो द किडनी कंटेंट टिनी ब्लड फिल्ट्रेंस यूनिट काल नेफ्रॉन किडनी जो होती है द किडनी कंटेंट टीनी ब्लड एक किडनी जो होती है जो हमारी ह्यूमन किडनी होती है वो ब्लड फिल्टरिंग छोटी छोटी यूनिट्स को कंटेन करती हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं नेक्स्ट इज़ जो हमारा ईच नेफ्रॉन कंटेन अ ग्लोम्यूल्स प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है उसमें ग्लोम्योलस होता है अ बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स से मिलकर के ग्लोम्योलस बनता है सो बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स जो होता है ग्लोम्योलस एंड जो ग्लोमुलस होता है फ्रेंड्स वो सराउंडेड होता है ग्लोमुलस के चारों तरफ एक कैप्सूल के द्वारा ये चारों तरफ सराउंडेड होता है जिसे बोलते हैं बाउंस कैप्सूल नेक्स्ट इज एस एस ब्लड पासिस द्लोमिलस जैसे ब्लड जो होता है वो ग्लोमलस से पास होता है और बेस्ड एंड एक्सेस वाटर जो भी होते हैं वो जो ग्लोमिलस में ब्लड जो है, होता है जिसमें बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो भी बेस्ट सबस्टेंसेज होते हैं टॉक्सिस केमिकल्स होते हैं वो ग्लोमिलस के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं एंड नैक्स्ट इज़ एनी यूजफुल सबस्टेंसेज जो भी उस ब्लड में यूजफुल सब्सटेंसेज हैं जो बेस्ट सबस्टेंसेज हैं वो फिल्टर हो जाते हैं बट जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं सचैस ग्लूकोज वो एबजॉर्ब कर लेती है कैपलेरीज जो कैपलरीज होती हैं वह एबजॉर्ब कर लेती हैं वाइल द वेस्ट इज़ कैरीड अबाउट द फॉम द यूरन जब यूरिन के फॉर्म में जो बेस्ट प्रोडक्ट है जब कैरिड होता है तो उस टाइम जो भी यूजफुल सबस्टेंसेस हैं वो तो कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं नेक्स्ट जो हमारी नैफ्रॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे नैफरन कहते हैं एंड नैफरन जो होता है वो ईच किडनी में नैफ्रॉन वन मिलियन प्रजेंट होते हैं वन मिलियन ईच किडनी में हमारी ह्यूमन किडनी जो होती हैं टू होती हैं एंड ईच किडनी में नैफ्रॉन बन मिलियन प्रजेंट होते हैं नेक्स्ट जो नैफरन होता है वो कंसिस्ट होता है टू प्रोटीन से फर्स्ट इज ट्रेनियल कारपोस्कल एंड सेकेंड इज ट्रीनियल ट्रिब्यूल सो फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स हियर यू कैन सी विल्केंसी एंड इट इज़ अ ग्लोमेरुलस सो ग्लोमेरुलस में ही ब्लड फिल्ट्रेशन होता है एंड ग्लोमेरुलस जो जिसके सराउंडिंग uh, जो होता है वो बाउंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस एक कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड होता है जिसे बाउंस कैप्सूल कहते हैं सो नेक्स्ट देखते हैं रीनल कार्पोस्कल सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीनल कारपोस्कल जो है इन द रीनल कारपोस्कल द ब्लूड इज फिल्टर रीनल कारपोस्कल जो होता है फ्रेंड्स कप स्ट्रक्चर से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इसमें फ्लूड फिल्टर होता है नेक्स्ट इज द द रीनल कार्पोस्कल हैज टू कंपोनेंट्स जो रीनल कार्पोस्कल होते हैं वो टू कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं ग्लोमेरुलस एंड बाउंस कैप्सूल जो ग्लोमुलस होता है वो टफ एक टफ मतलब गुच्छे जैसा एक गुच्छे जैसा होता है ब्लड कैपिलरीज को गुच्छे जैसा होता है जिसे ग्लोमुलस बोलते हैं एंड ब्लड जो होता है वो ग्लोमुलस में एफरेंट आर्टियोल के थ्रू इंटर करता है एंड देन ग्लोमे फिर ब्लड जो है ब्लेट जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में एफरेंट टार्डियोल के थ्रू इंटर करता है एंड देन ब्लड फ़िल्ट्रेशन वहाँ पे हो जाता है ग्लोमेरुलस में एंड जो ब्लड फिल्टर हो चुका है वो लीव करता है उसके बाद किसके एफरेंट टार्डियोल के थ्रू लीव करता है ग्लोमेरुलस से द ग्लोमिलस इज सराउंड बाई अ डबल बॉल्ब एपिथीलियम कप जो आ, बैक साइड हम लोगों ने पढ़ा है ग्लोमिलस जिस डबल बॉल्ब से एपिथीलियम कप से सराउंडेड होता है उसे कहते हैं फ्रेंड्स बाउंस कैप्सूल बाउंस कैप्सूल नेक्स्ट इज़ द फ्लूड फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस जो फ्लूड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में वो जाके कलेक्ट होता है कैप्सुलर स्पेस में हम लोगों ने जाना जो फ्लूड फिल्टर होता है में ग्लोमेरुलस में होता है बट जो फ्लूड फिल्टर होने के बाद कैप्सुलर स्पेस में जा कर के कलेक्ट होता है नेक्स्ट इज़ जो कैप्सुलर स्पेस होता है वो ब्लड को पास कर देता है फ्लूड को पास कर देता है रीनल ट्रिब्यूल में अब हम लोग जानेंगे जो नैफोन के सेकेंड जो प्रोटीन है जो रीनल रीनल ट्रिब्यूल इसके बारे में जानेंगे सो रीनल ट्रिब्यूल जो होता है वो रीनल uh, कार्पोस्टकर जो होता है कंटिन्यू होता है एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर से जिसे रीनल ट्रिब्यूल बोलते हैं रीनल ट्यूबेल ओपन होता है कनेक्टिव ट्यूबल में एंड रिनल ट्यूबेल डिवाइडर होता है थ्री पार्ट्स में प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबेल लोब ऑफ हैंडल एंड डिस्टल कन्वर्लेटेड ट्यूबेल नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो होता है नेफ्रॉन के प्रकार क्या होते, है, तो uh, होते, है, होते हैं तो डिपेंड ऑन द पोजीशन पोजीशन के अकॉर्डिंग जो ग्लोम्यूलस की पोजीशन के अकॉर्डिंग एंड लूप ऑफ हैंडल के लूप ऑफ हैंडल के लेंथ के अकॉर्डिंग एंड ग्लोम्यूल्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो नेफ्रॉन होते हैं वो टू टाइप में डिवाइड होते हैं फर्स्ट इज़ क्रिटिकल नेफ्रॉन एंड सेकेंड इज जक्टा मेडोली नेफ्रॉन फ्रेंड्स जो एटीन टू फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट जो नेफ्रॉन होता है ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट नैफ्रॉन ह्यूमन किडनी में जक्टामेडोली नेफ्रॉन पाया जाता है मोस्टली एंड नाव वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन सो नेफ्रॉन के थ्री मेन बेसिक फंक्शंस होते हैं फिल्ट्रेशन सिक्रेशन एंड री सो नेफ्रॉन जो होता है वो ब्लड में पीएच के लेवल को भी मेंटेन करता है एंड नेक्स्ट इज नेफ्रॉन रिमूव टॉक्सिक वेस्ट जितने भी ब्लड में टॉक्सिक वेस्ट केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है सो इस टाइप से हम लोगों ने देखा फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब मेर चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग